मध्य प्रदेश के मंदसौर के पीपलिया थाने के गांव काचरिया में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने लाखों लोगों को चूना लगा दिया। इस कंपनी ने पहले तो महिलाओं के दो ग्रुप को लोन दिलाकर उन्हें झांसे में लिया, बाद में लोगों से भी कहा कि वो भी लोन ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें केवल प्रोसेस फीस देनी होगी। इसके लिए करीब 200 लोगों ने कॉरपोरेशन बैंक में खाते भी खुलवा लिए। ठगों ने खातों में 1200 रुपए जमा कराए और 2500 रुपए लिए, साथ ही प्रोसेस फीस के नाम पर 1300 रुपए अलग से ले लिए। ठगों ने एडवांस में 5500 रुपए की दो किस्त भी ले ली। बाद में इन्हीं लोगों की चेकबुक के चेक फाड़कर उन्हीं को दे गए। लोग जब बैंक में पैसा लेने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे ठगे गए। मामले में गांव के ही दो लोग बलराम नथ और रमेश जोशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाने में भी पुलिस ने इन लोगों की एक नहीं सुनी, जिसके बाद सभी लोग गुहार लगाने एसपी के पास पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। वो काचरा चंद्रावत के बलराम नट और अभिपालनाथ का जोशी करके हैं, रमेश जोशी करके, और इन दोनों जनों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम से लोगों को 50-50 रुपए का लोन दिलवा के और हर एक व्यक्ति से 6500 रुपए लेके और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसा लेके फरार हो गए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी अभिनंदन नगर मंदसौर करके इन लोगों ने करीब 48 लोगों के नंबर से एक एप्लीकेशन लिख के भेजी है मेरे पास। लोग देखे गए, उनका कहना है कि उन्होंने बैंक में इनका खाता खुलाया और इनसे चेक लिए कि आपको इससे एक जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप के बना करके आपको फायदा मिला। बाद में इनने बताया कि वो कंपनी में कई लोग गायब हो गए। We'll be right back.